सीरियल नमक इश्क का बात करें तो शो में आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। आज आप देखने वाले हैं कि रौनक जो है वो चमचम को प्रपोज करेगा और इसलिए उसने उसे बुलाया है शाम के 4 बजे ऑडिटोरियम में। जी हाँ, प्रताप ऑडिटोरियम में उसने बुलाया है और कहा है कि आज से शूटिंग शुरू हो जाएगी। चमचम बहुत खुश है, चमचम बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाती है। और इधर युग जो है अपने भाई यानी कि रौनक को फोन पर बात करते हुए ये सुन लेता है कि उसने ऑडिटोरियम के एक रूम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, वहां पर पार्टी का इंतजाम किया है और गुब्बारे भी लगाए हैं। अब युग को ऐसा लग रहा है कि रौनक ने ये सब भाभी माँ के लिए किया है। आपको बता दें कि जो रौनक है वो तो ये सब चमचम के लिए कर रहा है। ऐसे में आपको बताते चले कि चमचम टाइम पर पहुंचती है और इधर युग रौनक को सरप्राइज करने के लिए वो भी ऑडिटोरियम पहुंच जाता है भाभी माँ को लेकर। आप देखेंगे कि जब चमचम पहुंचती है तो देखती है कि पूरा रूम फूलों से सजा हुआ है, गुब्बारों से सजा हुआ है, केक रखा हुआ है। अब चमचम सोचती है यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो शूटिंग कहाँ हो रही है। अब ऐसे में पीछे से रौनक आ जाता है और कहता है कि अरे केक काटकर शूटिंग शुरू होगी, आप केक काटिए। केक कटवाता है, उसे हीरो का हार भी देता है और साथ में शादी के लिए प्रपोज करता है। चमचम बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि मैंने आपको दोस्त माना है और फिर वो अपना हार निकालकर रौनक को दे देती है और कहती है कि रौनक जी, मैं शादी आपसे नहीं कर सकती हूँ। रौनक मन ही मन सोचता है कि कुछ मछलियों को फंसाने में समय लगता है, इसलिए इसे भी फंसाने में मुझे समय लगेगा। रौनक कुछ भी नहीं कहता और कहता कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती है लेकिन कल आप टाइम पर शूट पर पहुंच जाइएगा। इधर तब तक युग और भाभी भी पहुंच गई है, वो दूसरे रूम में पहुंची है जहां पूरा वो भी रूम सजा हुआ है। ऐसे में अब जो है वो लोग देखती तो नहीं है चमचम को, लेकिन यहां रौनक जो है अपनी बीबी और युग के पास आता है और फिर तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और फिर जो हार उसने चमचम के लिए खरीदा था रौनक ने, वो हार वो अपनी बीवी को पहना देता है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि क्या करती है चमचम आगे, क्योंकि चमचम की चाबी खो गई है, वही चाबी जो बचपन में उसके दोस्त ने उसे दी थी और वो चाबी कहीं ना कहीं युग के घर में है। देखना दिलचस्प होता है कि शो में आगे और कौन से इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं।